गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। पीएचपी में हम आज पढ़ेंगे एरे के अंदर आइटम्स को जोड़ना और निकालना। इससे पहले के वीडियो में हम एरे के टाइप्स हैं इंडेक्स्ड, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल एरे। तीन तरह के एरे हम पढ़ चुके हैं पीएचपी में, और आज एरे के अंदर आइटम जोड़ना और निकालना देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, एरे के साथ काम करते समय हम अक्सर अपने आप को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां हमें एरे में कुछ अतिरिक्त आइटम जोड़ने या हमारे द्वारा पहले से जोड़ी गई कुछ वस्तुओं को, कुछ एलिमेंट्स को निकालने की आवश्यकता होती है। मतलब एरे के अंदर हमने एक एरे बना दिया, मान लीजिए उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 10 आइटम्स हैं। अब हमें ज़रूरत हो सकती है कुछ नए आइटम्स ऐड करने की। अब वो नए आइटम्स हैं, वो एलिमेंट जो ऐड करेंगे वो शुरू में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर हमें ज़रूरत पड़ सकती है जो पहले से हमने जोड़ रखे एलिमेंट्स उनको हटाने की। वो शुरू में भी हटा सकते हैं, लास्ट में भी हटा सकते हैं। पीएचपी के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करते हैं, और वो इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे एरे के शुरू में या लास्ट में किसी तत्व को, एलिमेंट को जोड़ना या वहाँ से निकालना। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है उसमें हम करेंगे एरे के अंदर आइटम को पुश करना, किसी एलिमेंट को पुश करना। ये फंक्शन है वो तब सहायक होता है जब एक ही बार में कई तत्वों को एरे के अंत में जोड़ते हैं। तो एरे पुश क्या करेगा, लास्ट में जोड़ेगा। एक तत्व भी जोड़ सकता है, एक से ज़्यादा भी जोड़ सकता है। तो इसका नाम है एरे अंडरस्कोर पुश। ये क्या करेगा, किसी एरे के लास्ट में तत्वों को जोड़ेगा। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, एरे अंडरस्कोर पुश। और इसके अंदर फिर जो एलिमेंट्स हम पास कर रहे हैं पैरामीटर्स, वो दो पैरामीटर है। पहला है डॉलर एरे। डॉलर एरे क्या होता है, उस एरे का नाम जिस एरे में हमें आइटम्स को ऐड करना है। फिर दूसरा जो पैरामीटर है वो है डॉलर वैल्यूज। तो वैल्यूज के अंदर वो सारी वैल्यूज रहेगी जो हमें एरे के लास्ट में नई जोड़नी है। ये वैल्यूज एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा पीएचपी का कोड है। जैसा कि हमें पता है कि पीएचपी का कोड है वो जब एचटीएमएल के अंदर हम लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ठीक है, तो ये तरीका है पीएचपी का कोड स्टार्ट करने का, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। उसके बाद में हमने एक एरे बनाया है डॉलर नेम इक्वल टू एरे, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स हमारे पास, जॉन और टॉम। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में दो नई वैल्यूज को ऐड करेंगे, जॉनी और रिची को। तो इसके लिए हम काम में लेंगे फंक्शन एरे अंडरस्कोर पुश, और उसके अंदर पास करेंगे पहला जो पैरामीटर रहेगा वो एरे का नाम। एरे का नाम क्या है यहाँ पर, डॉलर नेम कोमा। अब वैल्यूज कौन कौन सी पास करनी है, दो वैल्यूज हम जोड़ रहे हैं, जॉनी और रिची। उसके बाद में हम इको करके प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट करवाएंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर। पूरा एरे को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसमें एरे कौन सा है, डॉलर नेम। तो ये पूरे एरे को प्रिंट कर देगा। अब ये किस तरह से आउटपुट आएगा, ये इस तरह से आएगा, एरे जॉन टॉम जॉनी रिची। तो देखिए, जॉन और टॉम है वो तो 0 और 1 इंडेक्स पर पहले से थे, उसके बाद में 0 और 1, फिर 2 और 3 पर आ गए जॉनी और रिची। इस तरह से 4 एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर, जॉन और टॉम पहले से थे, जॉनी और रिची फिर इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो ये इंडेक्स एरे है और 4 एलिमेंट्स हैं, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट आइटम का इंडेक्स क्या रहेगा, 3। अब इस आइटम में एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि पीएचपी का कोड है उसको शुरू कैसे करते हैं एचटीएमएल में, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ये भी पूछ लेते हैं कि उसको ख़त्म कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, एक ये पूछ लेते हैं कि इसमें वेरिएबल या एरे को, तो कुछ नहीं करना होता है, डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है पीएचपी में, डॉलर और वेरिएबल का नाम लिख दो, डेटा टाइप उसका वही बन जाएगा जिस टाइप का डेटा हम उसमें असाइन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये तो हो गया एरे के लास्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो एरे अंडरस्कोर पुश। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एरे के लास्ट में से कुछ एलिमेंट्स को निकालते हैं।
तो इसके लिए फंक्शन होता है एरे अंडर स्कोर पॉप, और कौन से में से निकालना है, उस एरे का नाम डॉलर एरे। ठीक है, तो जब एड करना है तो पुश और बाहर निकालना तो पॉप, सिंपल है, याद रह जाएगा। अब एग्जांपल हम देखते हैं, वही पीएचपी का कोड है और हमारे पास एरे है जो हमने पहले बनाया था, उसमें क्या चार एलिमेंट्स थे, जॉन, टॉम, जॉनी और रिची, और अब हम करेंगे पॉप। तो पॉप करते टाइम क्या होता है, एक एक निकलेगा, पुश करते टाइम तो हमने खूब सारी कर दिए थे, लेकिन पॉप क्या करेगा, एक एक को निकालेगा। तो एक बार पॉप हमने फंक्शन लगाया तो लास्ट का जो हमारा आइटम था रिची, जो तीसरे इंडेक्स पर था, वो देखिए यहाँ से गायब हो गया है। तो 0, 1, 2 वाले रहे जॉन, टॉम और जॉनी, तीन एलिमेंट रहे, चौथा तीसरे इंडेक्स पर जो था रिची वो गायब हो गया है। तो ये फंक्शन हो गया हमारा एरे के लास्ट में से आइटम को निकालने का। अब उसके बाद में अब देखते हैं कि एरे के शुरू के अंदर कोई एलिमेंट है उसको जोड़ते कैसे हैं। तो एरे के शुरू में एलिमेंट को जोड़ने के लिए हमारे पास फंक्शन है एरे अंडर स्कोर अनशिफ्ट, ठीक है, अनशिफ्ट। और इसके अंदर वही जैसे पुश के अंदर हमने काम लेता एरे का नाम और उसके बाद में कौन सी वैल्यूज है उनको एंटर करना है, ठीक है। तो जब वैल्यूज को ऐड करते हैं तब हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं, और निकालते तब कुछ पास करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही निकलेगा, एरे का नाम आ गया और वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमने एक एरे बनाया डॉलर नेम एरे, और इसके अंदर दो एलिमेंट्स जॉन और टॉम, उसके बाद में शुरू के अंदर जोड़ रहे हैं जॉनी और रिची। तो इसका मतलब 0 वाले इंडेक्स पर क्या आएगा, जॉनी, फिर 1 वाले पर रिची, फिर 2 पर जॉन, फिर 3 पर टॉम। तो इस तरह से रहेगा 0, 1, 2, 3, चार एलिमेंट्स है जॉनी, रिची, जॉन और टॉम। इसका मतलब जो नए एलिमेंट्स हमने जॉनी और रिची ऐड किए हैं वो एरे के शुरू में ऐड होंगे, ठीक है। तो अनशिफ्ट हो गया एरे अंडरस्कोर अनशिफ्ट। अब उसके बाद में अगर हमें ज़रूरत है एरे के शुरू से कुछ एलिमेंट्स को हटाने की, निकालने की, तो उसके लिए हम काम में लेंगे एरे अंडरस्कोर शिफ्ट, और सिर्फ एरे का नाम पास करेंगे। तो जब हमें हटाना होता है, चाहे लास्ट से हटाओ शुरू से, तब हम क्या करें, पैरामीटर पास करते हैं सिर्फ एरे का नाम, और जब जोड़ना होता है तब पहला पैरामीटर एरे का नाम और दूसरा जो वैल्यूज हमें ऐड करनी है। अब ऐड करते टाइम है एक भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी, कितनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमें निकालना होता है वापस तब हम एक बार में एक ही निकलती है। तो एरे है वो एरे का नाम है यहाँ पर, और यहाँ एरे है उसमें चार एलिमेंट है जॉन, टॉम, जॉनी और रिची, और यहाँ हम क्या करेंगे, शुरू में से एक तत्व को निकालेंगे। इसका मतलब जॉन है वो गायब हो जाएगा और टॉम, जॉनी और रिची तीन बच जाएंगे, ठीक है। देखिए टॉम, जॉनी और रिची, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस थे एरे के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना और रिमूव करना। ऐड करना शुरू में भी हो सकता है या लास्ट में भी ज़रूरत पड़ सकती है, रिमूव हम शुरू में भी कर सकते हैं लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू के अंदर अगर हमें ऐड करना है तो अनशिफ्ट, और शुरू से अगर निकालना है तो शिफ्ट, एरे शिफ्ट, और लास्ट में अगर हमें ऐड करना है तो एरे अंडरस्कोर पुश, और अगर हमें निकालना है तो एरे अंडरस्कोर पॉप, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, वो चार फंक्शन हैं, ये हमें याद रखने हैं, एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं, और ये हमें प्रोग्रामिंग में जब हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं पीएचपी में तो हमारे काम में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी साथ में जो PDF है हमारी हिंदी और इंग्लिश में बनाई हुई उसको भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।